देखा देखने वाले तमाम दर्शकों को रवि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं LNGB हॉस्पिटल में, जहां पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है, जिनको डॉक्टर ने जो डॉक्टरी कार्रवाई के लिए एक महीना पहले कहा कि हम आपको दिखा सकते हैं पर्ची की, एक महीना पहले की पर्ची थी कि अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, और एक महीने के टाइम का जो इंटरवल दिया गया डॉक्टर ने, और उसके बाद आज इनको अल्ट्रासाउंड के लिए एक महीने बाद अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। इस बारे में हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ है। हाँ जी, कब का पर्ची थी आपकी? मेरे को तो एक महीना हो गया जी। डॉक्टर ने उस टाइम क्या कहा था, क्या प्रॉब्लम थी आपको? एक महीने की डेट थी। प्रॉब्लम क्या थी आपको? तो डॉक्टर ने तो भी बोला था कि करवा लो। हम जी बस ये निकल, तो जो एक महीने का जो अंतराल होता है, अगर किसी को ही मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक महीने का अंतराल बहुत बड़ा होता है, कि एक महीने के अंतराल के बाद अल्ट्रासाउंड ही करवाना तो एक बहुत बड़ा खामिया है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस टाइम हम खड़े हैं अल्ट्रासाउंड विभाग में, हम सीधी बातचीत करेंगे डॉक्टर से कि डॉक्टर क्या कहता है इस मामले में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक महीने के इंटरवल की पर्ची तो हमारे पास भी है, पर्ची है तो हमारे पास भी है, 15-20 दिन की है ना, वो 15 दिन की चल रही है। ये मेरे को पीछे डेंगू हो गया था, मैं बीमार हुआ इस वजह से गया, और मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया। अभी हम रेगुलर कर आपके अंदर हम आ पहुंचे हैं, यहाँ पर एक जो मैडम कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि एक महीने का जो अंतराल आप देते हैं वो किस उसमें देते हैं, कि एक महीने तक अगर किसी को प्रॉब्लम है आप एक महीने का टाइम दे रहे हैं, वो क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पर क्या मशीनों की अवेलेबिलिटी नहीं है या स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, कि क्या कारण है जो मरीज बाहर दर दर धक्के खा रहे हैं? तो मतलब डॉक्टर की कमी के कारण मरीज सफर कर रहा है, हर मरीज को एक महीने का अंतराल दिया जा रहा है। एक महीने का स्टेटमेंट हमारे पास मैडम अवेलेबल है, 18 तारीख चल रही है सर, 18-12। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, 6-12 ये तो डेट 6-12 ये आज दिखा गया मैडम, 6-12 को बुलाया गया, पर्ची कब की है ये देखिए आप। 18-12 चले, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमने बात की थी, अभी भी डॉक्टर यहाँ से नदारद है। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक मरीज ऐसे भुगतते रहेंगे? और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर यही हालत है, एक तरफ तो बात करते हैं कि हर जगह इलाज की पुख्ता इंतजाम होंगे, आयुष कार्ड बना हुआ है हर जगह, लेकिन अब देखे जाए तो यहाँ पर एक और यहाँ पर ये पेशेंट खड़े हैं, इमरजेंसी में दाखिल है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ब्लड चालू है, तकलीफ ज्यादा हुई है, फिर भी ब्लड लेट है, वो भी नहीं मैडम आ रही है, नहीं बता रही है। हां जी, यहाँ पर आज हो रहा है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े हैं, तो आप जिस तरफ देख रहे हैं कि 3-3 महीने तक जो पेशेंट है वो परेशान हो रहा है अल्ट्रासाउंड से, अभी आपके सामने लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड में भी यही हाल चल रहा है। अब हम अपनी हम जो मौजूद है माता जी, इनसे बात करेंगे। एक बार आए फिर तेरे छुट्टी आप गई, दूसरे बार आए फिर डेट ही निकल गई है, फिर आप फिर आना 6 तारीख, 3 महीने हो गई, 6 तारीख को फिर आ गई। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? पतली हो रही थी, तो अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है, कर ही नहीं है, तो देखना ये है। अब हम CMO जो मैम यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब मरीज इतनी तादाद में यहाँ खड़े हैं और परेशान हो रहे हैं, हम सीधी बातचीत करेंगे CMO जी से। बात की गई है तो डॉक्टर का यही कहना है कि मैं तो सिर्फ 15 दिन और 20 दिन का ही इंटरवल रखता हूँ, क्या 15 से 20 दिन का भी इंटरवल जायज है एक मरीज के अल्ट्रासाउंड के लिए? अगर नहीं ऐसा तो क्या ऐसा कोई कानून बना है कि एक मरीज अगर अल्ट्रासाउंड के लिए आया है तो उसको 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा? इसके बारे में हम निरंतर एक बार CMO सर से भी मिलेंगे, जो क्या कहते हैं इस बारे में। बने रहिए, अर्थप्रकाश रोज ऐसे खुलासे आपके सामने लेकर आता है, हर जगह पहुंच रहा है अर्थप्रकाश TV, और ऐसे ही तमाम जो खबरें हैं उनके लिए बने रहिए अर्थप्रकाश के साथ। मैं अरविंद शर्मा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।